भाई क्या कर रहा है? I don't underestimate this guy. But... मैं बीमार था, किसी ने नहीं पूछा भाई कहाँ हो वो. सो जब मैं एक्टिव होता हूँ तो भाई हर बंदा बिल्कुल देखता रहता है. तो भाई ये सब चीज़ें फेक है भाई, मुझे लग गया पता यार. ओ और बवाल क्या बोल दे सब ठीक है ना. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. तो कैसे हो आप सभी? होप सो कि सब होंगे बढ़िया, और बढ़िया होने भी चाहिए. सो गाइस, चार पांच दिनों से व्लॉग इस वजह से नहीं आ रहे थे क्योंकि यार मैं हूँ बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार था भाई. चार पांच दिनों से हालत ख़राब थी, खड़ा नहीं उठ पा रहा था भाई बेड से. तो पाँच दिनों से व्लॉग इस वजह से नहीं आया. आज तुम्हारा भाई थोड़ा ठीक है, आज हिम्मत कर लिया तुम्हारे भाई ने कि तुम्हारे लिए कुछ शूट कर पाऊँ. तो गाइज आज चलते हैं. आज एक बंदा है स्टंट राइडर, साइकिल पे स्टंट करता है, बहुत ही खतरनाक, छोटा है अपने से. मेरे को परसों ही वो बंदा मिला था, उसने बोला भैया आपके सामने एक व्लॉग शूट करना है. तो मैं कहा भाई चलो कोई बात नहीं यार, अगर ऐसा टैलेंट है बंदे के अंदर तो यार मेरे चैनल से मैं दिखाता हूँ उस टैलेंट को. तो गाइज मिलते हैं आपको सीधा उस बंदे के पास. तो गाइज निकलते हैं. पहले यार हालत तो बहुत ख़राब है, बट चलो देखते हैं आज क्या सीन रहता है. बाइक चला पाता हूँ या नहीं चला पाता हूँ भाई, खांसी जुकाम से हालत मारे हुए हुए है. तो गाइज चलो कोई बात नहीं, निकलते फिर यहाँ से, मिलते हैं आपको सीधा रोड पे ही. तो फाइनली गाइज रूम से निकल गए हुए हैं भाई. जाम देख सकते हैं आप भाई, बहुत जाम है यार. चार दिन बाद बाइक चला के ना थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों. गाइज आवाज़ ही चेंज है मेरी हुई यार, बुरे हाल है भाई हुए हुए. ओहो तेल भी ख़त्म हो गया गाइज, अभी तेल भी भराना पड़ेगा इसमें. आज यार भगाने का मन भी नहीं कर रहा, अजीब सा मन हुआ है यार. चेस्ट में बज गई है सीधा हवा ना, तो भाई हालत मारे हुए हुए यार. छाती वगैरह पूरी जमी हुई है. ये भी बीच में गाड़ी खड़ी कर दी है. हाँ यार इतने दिनों से ना यार मौसम ख़राब ही चला हुआ है, ठीक से धूप ही नहीं लगी. तो यार आजकल बहुत सारे बंदे बीमार भी हो रहे हैं. तो भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है यार. भाई तुम्हारे भाई की तो हालत मारे हुए है गाइस यार. नहीं भैया जी निकाल नहीं दे रहे यार. HP 06 कमाल है, साथ में सिलेंडर रखा हुआ भैया ने. और गाइस यार थैंक यू, आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो भाई. 20-30 सब्सक्राइबर यार एक दिन में बढ़ रहे हैं. तो भाई दिल से शुक्रिया यार, आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो बस तुम्हारा भाई भी तुम्हारे लिए कुछ लेके आता रहेगा, नई नई चीज़ें. बस तुम ऐसे ही प्यार बनाए रखो. और तुम्हारे भाई ने आज यार दो दो टी शर्टें पाई हुई है, दो दो हुडियाँ पाई हुई है यार. गाइस मैं बीमार नहीं होना चाहता भाई. इन चार पाँच दिनों में भाई मेरे हालत जो माड़े हुए हैं ना भाई, वो तो मुझे ही पता है. और गाइस मैंने एक चीज़ देखी यार ना, जब मैं बीमार था भाई किसी ने, और गाइस जब मैं बीमार था मैंने एक चीज़ देखी भाई, सोशल मीडिया वगैरह ना ये सब कुछ यार फेक है. मैंने ये चीज़ देखी कि मैं जब बीमार था ना तो भाई किसी बंदे ने ये नहीं पूछा कि भाई क्या हुआ, इतने दिनों से एक्टिव क्यों नहीं हो वो. तो भाई ये सब फेक चीज़ है भाई, ये मेरे को लग गया है बता. जब मैं बीमार था किसी ने नहीं पूछा भाई कहाँ हो वो. सो जब मैं एक्टिव होता हूँ तो भाई हर बंदा बिल्कुल देखता रहता है. तो भाई ये सब चीज़ें फेक है भाई, मुझे लग गया पता यार, दिखावा ये बस, बाकी कुछ नहीं यार. तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं मशरूम चौक. ये देखो गाइस सिद्धू पाजी की फ़ोटो लगी हुई है ऑटो के पीछे. तो भाई रिस्पेक्ट है यार, आप जाम देख सकते हो भाई, क्या जाम है यार, बढ़िया से आगे निकल गया. आज यार बाइक चलाने में ना मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार, पता नहीं क्यों, बटे थोड़ी हार्ड जैसी चल रही है. चेन लूप वगैरह भी करवानी पड़ेगी यार, तब जाके स्मूथ चलेगी थोड़ी. और गाइस बंदे करते देख रहे हैं. हेलो हेलो गाइस, सब्सक्राइबर भी थे शायद, अब तो हम निकाल सकते हैं यार यहाँ से. चलो 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 भैया जी. तो मेरे पास क्लच छोटा है ना, मैंने करावा व्हीली के लिए, तो उस वजह से यार हाथ में दर्द हो जाती है. क्लच छोड़ता पकड़ता हूँ ना एकदम से, तो भाई हाथ में दर्द हो जाती है यार. पास दे दो चचा, अब तुम्हारा भाई मुझे नहीं गया था. सो गैस अभी पेट्रोल भरा दिया है, अब निकलते हैं यार यहाँ से. आंटी जी थोड़ा कैसे, ये गाड़ी के लिए अपनी पेट्रोल नहीं है, कोटिंग नहीं. नहीं भाई जी कोई बात नहीं, हमें कोई किट कुट नहीं चाहिए भाई अपनी बाइक के लिए, हम इसको खुद सेफ रख सकते हैं. गाइस अभी हम पहुंच गए हैं चंबा घाट, अब हमें जाना है शिमला वाली साइड पे, क्योंकि यार वहाँ पे एक खाली प्लेस है तो वहीं पे मुझे वो छोटा भाई मिलने वाला है, तो वहीं पे थोड़े बहुत स्टंट्स वगैरह हम करेंगे. कैसे हो भैया? ये हमें हमारे भैया मिल गए थे. ओ भाई
चलो 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 बा। अरे ही मारेगा क्या, सुख गए। अभी मैं पहुंच गया हूँ हाईवे पे। अब यार बाइक को थोड़ा भगाते हैं यार, इतनी दिनों से बाइक ही नहीं दिखाई है। ओ भाई 105 पहुंच गया यार। और बढ़िया, और क्या हाल है। सो गाइस इनसे मैं आज आपको मिलाने वाला था, तो चलो परे को चलते हैं थोड़े साइड में, तो हो जाए फिर बिल्ली। तो गाइस ये चेक करना है अभी, ये चेक करो गाइस यार, भाई ये देखो, ये देखो गाइस, ये भाई एक नंबर, एक नंबर यार। ये चेक कर रहे हो गाइस, एक ही टायर पे बंदा। ओ भाई स्टॉप ही हो जाए, एक स्टॉप ही हो जाए एक। ओ भाई प्यारी प्यारी चीज़ यार। अब यहाँ पे गाइस स्टंट बचे होंगे फुल पावर ही। तो गाइस मैं आपको मिलाता हूँ भाई से। तो सबसे पहले तो भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया। आपका नाम? मेरा मुकुल है। मुकुल है, तो गाइस भाई का नाम मुकुल है। तो कब से कर रहे हो आप स्टंट राइडिंग, मतलब साइकिल पे स्टंट वगैरह कब से कर रहे हो? 2017 से। तो आपकी एज? एज अभी मैं 17 की हूं। 17 के हो, तो कैसे आपको क्रेज आया मतलब साइकिल पे स्टंट वगैरह? कुछ नहीं, 7th में थे वो घर वालों से जिद करके थोड़ी। अच्छा, दिला दो। अच्छा, साइकिल ली। हां हां। फिर एक दिन ऐसी वीडियोस देखते थे जैसे होता है बच्चों को शौक। उस टाइम मेरा एक दोस्त है रवि रवि करके। उसने मेरे को फैबियो विपमर करके एक बंदा है। अच्छा, उसकी वीडियो दिखाई। अच्छा, फिर मैंने वीडियोस देखी, क्रेज आ गया कि मैं भी करूँ ट्राई। अच्छा, फिर एक दिन सीखा, मैं ट्राई करता हूँ। फिर व्हीली वगैरह सीखी, फिर अभी थोड़ा परफेक्ट। चलो बढ़िया बढ़िया गाइस, अब आपको भाई स्टंट दिखाएंगे यार फुल पावर। भाई ऐसी भाई आपकी एज बता दो एक बारी। 17। तो भाई देख रहे हो यार 17 की एज में भाई क्या स्टंट कर रहे हैं। गाइस मैंने सुना है बहुत दूर तक व्हीली मार रहे, तो गाइस अभी व्हीली चेक करते हैं भाई की, तो थोड़े बहुत स्टंट चेक करेंगे, उसके बाद मैं भी थोड़े बहुत स्टंट करूंगा। सो गाइज आपने अभी देखे भाई के स्टंट, अब मैं आपको स्टंट दिखाता हूँ, तो भाई शूट करेंगे, तो चेक करो गाइज। गिरू ना बस यार, इतने दिनों से ना बीमार था ना जैसे। कहाँ? हाँ स्किट ना हो, उसका थोड़ा डर है। सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट ख्याल पर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम रखते मुट्टी में हाँ जादू कर आए बाजीगर बाजीगर तीसरी बार चैंपियन लेगेसी बैंक फुट लग रही फैशन सावले हैं दोस्त वो बिकते हैं टैल्कम अब किचन में रैशन कलम में पैशन ऑर्डर फिर कैशन और शॉर्टी है शक्ल से प्रीति पर उसकी बॉडी कड़ैशन। ओह आह पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई सीन नहीं कोई सीन नहीं कोई सीन नहीं कोई सीन नहीं कोई नहीं। नहीं नहीं कहीं नहीं लगी पहले का। हाँ ये तो पहले का है, लिफ्ट में तो जाता है, कोई सीन नहीं। बाइक को तो नहीं होना कुछ? ठीक है, लिफ्ट में तो जाता है, कोई बात नहीं। अबे स्टॉप ही नहीं लगेगी यार, ये हो गया नीचे लीवर। कैसे? ये लीवर हो गया नीचे को। नया अच्छा क्लच पड़ा है नया आपने अभी। कौन सा? चलो एक स्टॉप ही और मारता हूँ जरा मैं। है ना ये मुड़ गया यार, बट ये मुड़ गया है ना। चलो भाई कोई मारते थे कैसे स्टॉप पे मारते थे औखा लगा रहा हल्का सा क्या स्टॉप पे मारते ब्रेक नीचे नहीं लगी? नहीं नहीं मेरे तो नॉर्मल लग रही है ब्रेक की, तो लग रही है। अरे थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, इसको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा।
सो गाइस ये थे थोड़े बहुत स्टंट, तो भाई से मिलके भी अच्छा लगा। तो इंस्टाग्राम आईडी बता दो भाई अपनी, mukul001। तो यार भाई को फॉलो कर देना, भाई भी बहुत अच्छे स्टंट करते हैं। तो आने वाला फ्यूचर भाई तो कुछ खतरनाक होने वाला, आप देख सकते हैं भाई के 17 साल और इतने खतरनाक स्टंट कर रहे हैं भाई। गाइस आप खुद देख सकते हो हिमाचल कितना टैलेंटेड है भाई, आप खुद देख लो 17 साल के भाई और कितने अच्छे स्टंट करते हैं। अभी 17 साल के तो जब भाई बड़े होंगे तब तो भाई खतरनाक ही सीन होने वाला है। तो गाइस चलो फिर हो गए स्टंट वगैरह, तो गाइस यहाँ से निकलते हैं अब रूम की ओर। ओ भाई रोड में गाड़ी, बाइक ना गाइस अभी बाइक ने ना जंप करी और अंकल बीच रोड में गाड़ी बोल रहे, वाह यार। देख रहे हो गाइस गाड़ी में छोटे छोटे बच्चे, ये देखो हेलो कर रहा है छोटा बच्चा, हेलो यार छोटे छोटे बच्चे यार। भाई बड़ा शौक होता था हमें भी यार जब बचपन में ना। ओ भाई ये कर रहा है, ओए यार ठुकते ठुकते बच गया बंदा अभी। और गाइस अभी मुझे जाना है यार, मेरी एक फ्रेंड है उसकी स्कूटी लेके कार्तिक भाई के पास यार, उसकी थोड़ी मतलब कि सर्विस वगैरह करानी है और काम वगैरह है उसमें थोड़ा रहा स्कूटी में, तो वो करवाना है तो वो मुझे ही ले जानी पड़ेगी। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूं अपनी फ्रेंड के रूम, अब थोड़ी देर में निकलते हैं यहां से यार। अभी वो खाना खुना बना रही है, खाना खुना खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से यार, स्कूटी का काम कराते हैं। गाइस ये चेक कर रहे हो आज तुम्हारा भाई स्कूटी चला रहा है यार, मैंने स्कूटी वैसे उतनी चलाई नहीं है, मतलब कम चलाई है पर भाई ठुकू ना बस। गाइस यार बाइक तो कंट्रोल भी हो जाती है गियर से, भाई ये तो कंट्रोल भी नहीं होगी यार। अरे हेलो मेरे भाई, स्कूटी पे अरे काम कराना है इसका, उसकी है फ्रेंड की है। नहीं यार फिर कैसी फील आ रही है? अरे बढ़िया यार मस्त है चलाने का, इस पे ठुकराना जाना मैं। नहीं नहीं रिस्क नहीं ले सकते भाई, ये कहीं भी ठुक सकती है भाई। तुम्हारे भाई को लोग कैसे देख रहे हैं? ओ यार खतरनाक सीन गाइस, इसको भागती नहीं है यार, ऊपर से टायर छोटे कट भी नहीं मार सकते, इतना है कि ABS है इसमें रुक जाएगी। ओ भाई एकदम से बस वाले भैया आ गए, रुक के आगे सब हम कार्तिक भैया के पास पहुंचने के वाले। हट जाओ भाई, ओ हमें, ओ भाई क्या कर रहा है भैंस की आग, भाई ठुकते ठुकते बच गया अभी यार। देखो लाडी भाई इसमें क्या क्या काम है। सो गाइस अब हमें स्कूटी यहीं पे छोड़नी पड़ेगी, अब कल ये ठीक होके आएगी, बहुत काम है इसमें, क्यों है ना। ये देख रहे हो गाइस यहाँ पे मानती है नहीं है लड़की, हवा में ही होती है चली हुई। चलो जिसने भी ठोकी काम तो आ गया ना, अब इसको छोड़ दे, अब यहाँ से निकलते हैं यार। चाचे मामे आदे सरा तेरी उत्ते।